ऑनर्स मैथ खगड़िया में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास के पहला चैप्टर का छठा लेक्चर लिखा है जिसमें यह बताया जाएगा कि दो समुच हो, क्या है, दो अलग अलग समुच, डिफरेंट समुच हो, वह डिफरेंट समुच से समुच कितने प्रकार के होते हैं। आप मेरा तीसरा वीडियो को देखिए, मेरा तीसरा लेक्चर देखिए, उस लेक्चर में यह बताया गया था समुच कितने प्रकार के होते हैं और समुच को किन किन आधार पर बांटा गया था। तो हम आपको समझा दिए थे वहाँ कि समुच को दो आधार पर बांटा जाता है, एक समुच के एलिमेंट्स को देख करके, कोई एक समुच लो उसमें कितना एलिमेंट्स है उसके हिसाब से उसका नामांकन करो। तीसरा वीडियो हम समझा चुके थे समुच के एलिमेंट्स को देख करके समुच दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक इम्पिटी सेट रिक्त समुच, दूसरा नॉन इम्पिटी सेट ऑरिक समुच, समझाए थे। और ऑरिक समुच का चार टाइप्स बताए थे, सिंगल सेट, एकल समुच, पेयर सेट, युग्म समुच, फाइनाइट सेट, परिमित समुच, इनफिनाइट सेट और परिमित समुच बताए थे, यानी टोटल हो गया पांच। वो किस हिसाब से बताए थे, सेट्स के एलिमेंट्स को गिनकर, काउंटिंग कर। लेकिन आज बेटा हम आपको उससे भी वीआई टॉपिक, उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि दो समुच के एलिमेंट्स को देख करके वह दोनों समुच एक दूसरे का क्या हो सकता है, एक दूसरे से कैसा रिलेशन बन सकता है, एक दूसरे में कैसा संबंध है, क्या अंतर है और क्या समानता है, यह आपको समझना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत, तो इसके हिसाब से यानी दो सेट्स को एलिमेंट्स को देख करके समुच कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन समुच क्रिएट होता है उसके बारे में आज बताएंगे। इसलिए वीवीआई पॉइंट है, समझ गए। आप मेरी इस वीडियो को निश्चित रूप से स्क्रिप ना करेंगे, एकदम लगातार देखेंगे तब मेरी वीडियो की बिल्कुल जितनी भी कॉन्टेंट है, जितनी बेसिक जानकारी है, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत, अब आपके देखिए आज का क्या है। हम आपको आज टॉपिक बना दिए हैं कंपेरिजन ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच में तुलना करना। क्या बताए गए थे, दो समुच के एलिमेंट्स को तुलना करो। हम यहाँ तीन सेट छोटे लिखे हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। अब यहाँ देखिए ए में, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी डी है, 1 2 3 4, क्या है, ए बी सी डी है। इसमें क्या छोटे, सी डी ए बी, इसमें है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि एलिमेंट्स के हिसाब से इसमें कितना एलिमेंट्स है। इसे बेटा राम 2 3 4, कितना एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सेट्स ए 4, इसमें कितना एलिमेंट्स है 4, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेट्स ए, यानी ए में एलिमेंट्स की संख्या। नंबर ऑफ सेट्स बी कितना है, 4, और नंबर ऑफ सेट सी कितना हो गया, 6। तो अब आप इसमें देखिए, तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स ये देखें, कुछ ऐसा भी दो सेट्स होगा जिसमें एलिमेंट्स बराबर होगा, बराबर होगा, काउंटिंग करने बाद बराबर होगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। एक और आपको लिखते हैं डी, ए बी सी डी ई ई जी, आप इस डी को भी काउंट करेंगे बेटा तो इसमें भी 6 एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना, 6 एलिमेंट है। कोई दिक्कत, अब आपको देखो इस दोनों में, यह दोनों एलिमेंट्स बराबर है, एलिमेंट्स से बराबर, एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, इस दोनों में भी एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। अब और थोड़ा इसे पीछे जाओ, इसके अंदर थोड़ा सा और जाओ, डेप्थ में और जाओ कि आप ये जब 4 4 है, क्या अंदर वाला वस्तुओं दोनों का समान, अंदर वाला एलिमेंट्स भी दोनों का समान, मिलाते हैं ए के साथ भी, हाँ ए यहाँ मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया ना, यानी ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी एलिमेंट्स की संख्या है दोनों बराबर, तो अंदर में भी देखे दोनों के एलिमेंट्स क्या है, बराबर। अब इसमें देखो दोनों में 6 6 है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, यहाँ एफ, यहाँ क्या है, जी है, ये दोनों आपस में नहीं मिला, यानी इसमें और इसमें अंतर समझ गए। यहाँ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी बराबर है, और यहां 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 एलिमेंट्स क्या है, बराबर,
नहीं नहीं छोटे। तो अब आप देखना है, तो आप इसमें से सबसे पहले देखो जब दोनों की काउंटिंग बराबर हो और दोनों में अंदर में एक ही एलिमेंट हो, उल्टा पुल्टा चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, समझ गए? यानी उल्टा पुल्टा ए पहले बी बाद में सी, बाद में से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में सेम एलिमेंट लिखा हुआ हो, एक जैसा है अर्थात एक ही एलिमेंट है, तब वैसे समझ का नाम आप जानते हैं। मेरे जैसा और कोई है, आपके जैसा कोई और है, जैसे आपका मेरा नाम आरमेश्वर है, कोई दूसरा भी आरमेश्वर होंगे, मेरा आपका नाम राहुल है, किसी दूसरे का भी नाम राहुल, क्या आप दोनों सेम हो जाएंगे? आदि सब चीज मिलता है, तब फिर यहाँ देखिए कि बिल्कुल दोनों का क्या है, सब चीज नेचर सेम मिलता है। तो अब एलिमेंट्स जब अंदर का दोनों सेम है, तब इस दोनों को बताइए, आप दोनों को कह सकते हैं दोनों बराबर है, नहीं कह सकते हैं? ये दोनों सेट्स का एलिमेंट्स तक बराबर है, प्रत्येक एलिमेंट्स एक दूसरे का उल्टा पुल्टा लिखा है, तो आप बताइए दोनों बराबर है। आज से इसका सबसे पहला सेट आपको बन जाएगा बेटा, कौन सा सेट, यहां लिखते नीचे ये वो बन गया समान सेट, क्या बना? समान समुच, इक्वल सेट। तो अब इसका डिफिनेशन समझाते हैं, क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक समुच समान या बराबर समुच कहलाता है तब जब दोनों के अंदर एक ही एलिमेंट हो, क्या हो? दोनों के अंदर एक के जैसा एलिमेंट हो, एक ही कह रहे बार बार, इसमें ए बी सी डी, वहां भी ए बी सी डी होना चाहिए, उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद, जब सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब दोनों सेट को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको हम कई बार बता चुके हैं, रोस्टर फॉर्म में कोई भी लिखे, किसी परिस्थिति में लिखे, जहां लिखे, फिर भी एक जैसा, उसमें अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग लिखा जाता है। इसलिए जब आपको इक्वल सेट की तुलना करना है या नहीं है, तो सबसे पहले जिस रूप में हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोस्टर फॉर्म में बदल दो, यदि है तो कोई बात ही नहीं, तब देखेंगे एलिमेंट सेम है, एक जैसा है, तब आप क्या करेंगे? समान सेट, कोई दिक्कत? और इसे डिनोट करते हैं ए इक्वल टू बी से, परिभाषा समझ गए? दो या दो से अधिक समूह समान समूह कहलाता है तब जब दोनों में एक ही एलिमेंट हो, एक ही जैसा एलिमेंट हो, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, क्या इसको कहेंगे दोनों में एक जैसा एलिमेंट? अब आप कहेंगे सर ये दोनों बेटा बराबर नहीं होगा, ये सी और डी आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा। क्यों? यहां छे छे बराबर है, लेकिन यहां देखो एफ यहां जी है, इस जी को एफ होना पड़ेगा, आपको क्या होगा? जीरो होना पड़ेगा, तब बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं है, समझ गए? तो पहला उदाहरण आप समझ गए कि इस एक एग्जाम्पल से पता चला कि समान समुच किसे कहते हैं। ठीक, अगला बेटा इसी में देखो, यही जब एग्जाम्पल है इससे और कुछ बन सकता है। अब देखिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं, ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी है, नहीं? इस चारों, ये चारों देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, किसी को जाओ, यदि ए का प्रत्येक, यदि कोई एक दो समुच ए और बी दोनों मान लीजिए है, सेट है, यदि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, इसका सभी एलिमेंट्स बी में हो, हाँ इसका मतलब यहां भी होता था ए का सभी एलिमेंट बी में, बी में एलिमेंट्स ज्यादा भी हो इसमें नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहां क्या कर रहा हो, हम आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ए का सभी एलिमेंट्स जब बी में हो तब ए सेट बी का सबसेट कहलाता है, दूसरा नाम आपको सुन रहे, दूसरा आप बता रहे हो, दूसरा देखिए आप क्या कहलाता है, सबसेट, उपसमुच, क्या समझ गए? दूसरा क्या कहलाता है? उपसमुच। तो अब आप देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए का जब सभी एलिमेंट्स बी में हो, जैसे आप समझते इसको दूसरी भाषा में, आप कहेंगे आपका घर कहाँ है, कहेंगे पटना, कहाँ बोलेंगे? पटना। कोई दूसरा पूछेगा कि आपका घर कहाँ, भारत में है ना, आप बोलेगा हाँ भारत में है, इसका मतलब पटना भारत में है, कोई दिक्कत? तो यदि ए पटना है बी क्या है? भारत है, समझिए, यदि ए खगड़िया बी क्या है? बिहार है, समझिए। तो आप याद रखेंगे यदि आपका बाप आप खगड़िया के निवासी हैं, कोई कह देगा बिहार के निवासी है, हाँ बिल्कुल खगड़िया बिहार के अंतर्गत आता है, आएगा, लेकिन हाँ अब आपको आपका घर दिल्ली है, ठीक ना, और आप कहेंगे आपको कहेगा कि नहीं आप बिहार के वासी हैं, संभव है? नहीं,
तो अब आपको ये बारीकी ध्यान रखना बेटा कि सबसेट का मतलब यही याद रखेंगे यदि इसका सब वस्तु यहाँ हो, आप इसमें हैं, ठीक, इसमें ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, चलेगा? तब आप याद से देखिए, यहाँ आप कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल से ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का और ए सबसेट है किसका हो, डी का। इस सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ डी। अब आप थोड़ा सा इसमें बारीकी देखो कि जो एलएचएस सिंबल है सबसेट का उसके पहले और उसके बाद को सोचो। पहले जब भी लिखाता है छोटा सेट लिखाता है, क्या लिखाता है, छोटा स्मॉल, और बाद जब भी लिखाता है उससे क्या लिखाता है, बड़ा लिखाता है बिग, फिर पिक्चर को दिक्कत। तो अब बेटा ये आप देखिए इधर जब भी लिखेगा क्या होगा, छोटा एक होगा बड़ा। यदि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, ए का सभी एलिमेंट सी में है, ए का सभी एलिमेंट डी है, तो ए इन तीनों का क्या कहलाएगा, सबसेट, क्या कहलाएगा, सबसेट। आप बताइए छोटका का नाम जब सबसेट हो गया तो बड़ा का भी कुछ नाम होगा, जब छोटा वाला का नाम हो गया सबसेट, बड़ा का नाम क्या होगा, हाँ उसका भी नाम बेटा याद रहना चाहिए ना, परिभाषा इसका सिंबल याद रखिए ये। अब देखिए यदि इसका नाम है बेटा सबसेट और इसका नाम होता है अधिसमुच, सुपरसेट, क्या कहेंगे, सुपरसेट, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट, और बी ए का क्या कहलाता है, सुपरसेट। तीसरा समझिए ना, तीसरा क्या कहेंगे, सुपरसेट, समझिए। यदि ए ई हो गया सबसेट तो बी क्या हो गया, सुपरसेट, याद रहेगा। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, आप परिभाषा लिख लीजिएगा, लिख के मेरे व्हाट्सएप भेजिएगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो ए को बी का क्या कहलाता है, सबसेट, वीवीआई बेटा इसको तो नहीं भूलना पड़ेगा, और तब बी को क्या कहता है, सुपरसेट, यानी बड़ा वाला सुपरसेट, छोटा वाला क्या कहलाता है, सबसेट। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें एक राज है, इस राज को देखकर राज इसको खोलते हैं, इस राज को भी आप समझ जाते तो अगला भी समझ आ जाएगा। यहां क्या, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, देखिए ए का सभी एलिमेंट्स बी में, इस दोनों में देखो बराबर है, इसमें एक भी एलिमेंट्स बी में ए से ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिए ए से सभी एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट सी में है, लेकिन ये दो एलिमेंट बी और एफ है जो इसमें ज्यादा है, ए का सभी एलिमेंट बी में लेकिन ई और जी जो है इसमें क्या है, क्या है, उससे ज्यादा है, यानी इससे इसमें बराबर हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, दिक्कत, तब कहलाएगा सबसेट, सबसेट का सिंबल। इसलिए बेटा इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा और ये मतलब बराबर, यानी बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है दौरे का, समझ गए। अब आपको बताते हैं यदि सिर्फ बड़ा हो, यानी कि क्या, यानी कहने का मतलब ए सबसे हो लेकिन ए बराबर बी जब नहीं हो तो ये लिखना बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, लिखना बंद कर देंगे। यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो परंतु ए बराबर बी जब नहीं हो, इसमें है बराबर हो सकता है, यदि कहता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो ए बराबर बी नहीं हो तब ए को बी का कहते हैं प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच, क्या बोले, उचित। अब इसकी परिभाषा थोड़ा समझाते हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, यही तक कहते थे सबसेट कह देते थे, इसके दोनों को परिभाषा बन जाता था, लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो सबसेट और सुपर सबसेट बन जाता था, लेकिन आगे बोलते हैं परंतु बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, क्या होगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, अर्थात ए बराबर बी नहीं हो तब ए बी का क्या कहलाता, प्रॉपर सबसेट, और उसका प्रॉपर से सबसे सिंपल क्या होता है, ये इसे बराबर की नहीं दिखाता, कोई दिक्कत। तो अब आपको फाइनली कहने जा रहे हैं कंपेरिजन ऑफ सेट्स के हिसाब से समुच्चय कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के, कितने प्रकार के, चार, पहला तो समान समुच्चय, दूसरा सबसे उप समुच्चय, तीसरा सुपर सेट, चौथा क्या होता है, प्रॉपर सेट। हम बताए थे चार होता है, आज पहला का डिफिनेशन दे, फिर बताएंगे दूसरा।
पहला क्या कहता है, क्या पता है, समान समुच या बराबर समुच, दो या दो से अधिक समुच, परिभाषा समझाया था आपको, समान समुच कहलाता यदि दोनों सेट्स में एक ही एलिमेंट्स हो, क्या कह रहा, दोनों में एलिमेंट्स एक जैसा हो या एक हो, एक ही बात है, तब आप उसको क्या करते हैं, सब सेट, सो इक्वल सेट। अब इसको डिनोट करते हैं बेटा ए इज इक्वल टू बी से, क्या करेंगे इसको, ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्या करेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यहां देखिए यहां लिखते हैं इस जगह, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, किसको डिनोट करते पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू बी को, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। अब आप एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल को बारीक ही समझिएगा, हम इसे जस्ट पहले बता चुके हैं कि जब भी आपको, जब भी इसको इक्वल दिखाना हो या सबसेट साबित करना हो, सुपर सबसेट जो भी दिखलाना हो, उस सब में आपको ये दिखलाना होगा कि सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट्स को, एक सेट्स को एक ही जैसा लिखा जाता है, इसे जब तक नहीं लाएंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले देखो सेट ए में क्या एलिमेंट है, वन और थ्री दिख रहा है, कोई दिक्कत, दूसरा देखो एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का हल, द्विघात समीकरण लिखे हैं, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है छोटे, हल देखिए किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, गुणन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, माइनस थ्री माइनस एक्स, एक्स को मान लिया, एक्स से क्या क्या मान निकला, वन और थ्री, अब बताइए बी में वन और थ्री, अब आप दोनों को देखिए बराबर है, इसमें भी वन थ्री, यहाँ कैसे पता नहीं चल रहा था, यहाँ आप कह देंगे नो, लेकिन यहाँ देखे है ना, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में जब तक नहीं लाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म से तब तक दिक्कत होगी, ले आए तो ए इज इक्वल टू क्या होगी बी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स दैट एक्स फ्लो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का अक्षर, एक शब्द है फ्लो उसका सभी अक्षर, दूसरा है एक्स दैट और डब्ल्यू ओ एल एफ का अक्षर, आप इस दोनों को जब तक रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे नहीं मिला सकते, तो बेटा आपको यहां रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ए को सबसे पहला था एफ ओ एल, दो गो बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म से जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक एलिमेंट्स एक बार ही लिखाता है, एफ ओ एल ओ भी नहीं होगा सिर्फ डब्ल्यू, और बी देखिए क्या है, और डब्ल्यू ओ एल एफ, अब देखिए है ना, एफ मिल गया ओ मिल गया एल मिल गया डब्ल्यू मिल गया, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो गया। एक्सरसाइज 1.2 आपको हम बताएं, एक से लेके तीन तक तो बता दिए, एक्सरसाइज एक से लेके तीन तक जो क्वेश्चन था आपको हम समझा दिए, चार नंबर क्वेश्चन और पांच नंबर और छह नंबर क्वेश्चन बेटा इसी में कह रहा है कि बताओ दो या दो से अधिक समुच लिखा हुआ है, कौन एक दूसरे की इक्वल है, इक्वल सेट है, तो आप बना सकते हो। तो आपका होमवर्क आज का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4-6 है, कोई दिक्कत, आप बताए थे एक बता दिए इक्वल सेट, तीन ठोर है, दूसरा देखते हैं, पहले बेटा लिखे क्या है, सबसेट और सुपर सबसेट की परिभाषा एक साथ बन जाता है, आप तो परिभाषा खुद लिख सकते हैं, फिर आज हम बता दें, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, क्या बोल रहे भाई, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में हो, तब सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है, सबसेट, उपसमुच कहलाता है, क्या कहलाता है, उपसमुच, ये याद रखने वाली बात है, और ये वीवीआई है, इसके बिना इस चार में से ये जो सबसे वीवीआई मोस्ट वीवीआई बेटा इसका डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, और इसे पर लिखते कैसे हैं, इसे सूचित कैसे करते, ए सबसेट ऑफ बी, यहां देखिए लिख दिए इसको, इसको क्या पर हो गए, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट, कोई दिक्कत, आगे नीचे एग्जांपल देते हैं, फिर देखो इसी से दूसरी परिभाषा कितना हो, यहां पर लिखना ही होगा सुपर सबसेट में भी, यदि सेट ए सेट बी का, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तो तब सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहते हैं,
यहां से लेके यहां तक, तब सेट बी को सेट ए का क्या कहते हैं, सुपर सेट अर्थात अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। और इसे सूचित करते बेटा ये देखो, सेट घुमा आपने थोड़ा सा, ये सेट बी इज सब सुपर सेट ऑफ ए, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है कोई दिक्कत, समझ गए। आप इस दोनों को एग्जांपल समझे, पहले भी एग्जांपल समझा चुके। अब देखो x सच दैट x वोवेल के अक्षर, वोवेल समझते हो, वोवेल मतलब a इज इक्वल टू, आप यही हम लिख सकते हैं, पांच होते a e i o u, ये हो सकता है, यानी ये हाँ क्यों लिखे, आपको पहले भी समझा चुके हैं, जब तक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक सबसेट सुपर सेट प्रॉपर सबसेट इक्वल सेट लिखने में दिक्कत होगी। आप आगे लिख सकते हैं, थोड़ा सा जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा विदाउट कर सकते हो, ठीक, लेकिन बेसिक में लिखिए। दूसरा क्या, सेट भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के 26 अक्षर होते हैं ए बी से लेके जेड तक। अब आप बताइए ई भी इंग्लिश अल्फाबेट है लेकिन पांच है, आप जानते हैं वोवेल सब इसमें आता है, तो इसलिए आप कह सकते हो ए इज सेट, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, है ना, समझ गए। आपको पहले भी समझा चुके, देखिए जो छोटा होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते सिंबल के पहले, जो बड़ा उसको क्या लिखते राइट साइड, यही बच्चा गलती कर देता है, आप ऐसा गलती नहीं करोगे, मेरा आशा है आप गलती नहीं करोगे, है कोई दिक्कत। अब दूसरा देखिए, सेट ए में एक दो तीन चार एलिमेंट, सेट बी में एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है, आप देखिए इसका सर्विस में है ना, एक वो सेट सी लिख देते हैं, वन टू टू फोर लिखते, क्या लिखते हैं टू फोर, एक का सब एलिमेंट बी में, क्या एक का सबसेट सी में है, नहीं, तो ए सबसेट बी है, यहां आप लिख सकते ए सबसेट ऑफ बी, और ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये नहीं है, सब एलिमेंट नहीं देखे काट देंगे, क्या करें बीच में काट देंगे, ठीक ना। आप बताओ बी का सब ए में है, सी का सब ए में है, देखो दो चार, हाँ बेटा है ना, इसका मतलब सी सबसेट ऑफ क्या लिख सकते हैं ए, सी का बी में है, हाँ है, तो सी सबसेट ऑफ क्या हो गया, है कोई दिक्कत, समझ गए। हाँ आप बताए ए बी का सबसेट है, बी ए का क्या है सुपर सेट, समझिए ना, अधिसमुच्चय उस तरह, ए बी का क्या है सबसेट, बी ए का क्या हो गया सुपर सेट, ए सी का क्या हो गया सुपर सेट, बी सी का क्या हो गया, चौथा समझाया क्या थे प्रॉपर सबसेट। इसकी परिभाषा देखते हैं, वैसे परिभाषा आप खुद लिख सकते हो, समझा चुके हैं, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स, यदि सेट ए, यदि कर दो, यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, क्या बोले सेट ए का सब एलिमेंट सेट बी में हो तब कहते थे सबसेट, लेकिन इसमें कुछ जुट रहा है, देखो बेटा लेकिन सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, देखिए कम से कम इसको याद रखो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हो, क्या हो सेट ए में जब उपस्थित नहीं होगा तब सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसे उचित उपसमुच्चय कहा जाता है, क्या कहा जाता है उचित उपसमुच्चय, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हो, यानी है तय हो गया कि सेट बी में जब भी एलिमेंट होगा ए से ज्यादा ही होगा, जिसमें तीन हो तो उसमें चार हो या पांच हो या छह हो, बराबर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, समझाए चलो, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या बेटा समझ गए। अब इसको थोड़ा सबसेट इसका परिभाषा ढूंढते हैं, मिलाते हैं, ए सबसेट बी पर आए थे, इसमें लिखे थे इक्वल टू, इसमें इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यानी सबसेट हो लेकिन दोनों ए और बी बराबर नहीं हो, जो ऐसा सबसेट होता है उसको क्या कहते हैं प्रॉपर सेट कहते हैं, समझ गए। यानी कहने का मतलब याद रखेंगे ये जो है प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट हो सकता है, यदि कोई प्रॉपर सबसेट है तो वह सबसेट हो सकता है कोई दो सेट, लेकिन कोई ओनली सबसेट है और वह प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों रीजन होगा, क्या कोई दिक्कत। अब एग्जांपल समझते हैं, ए बराबर दो चार छह डॉट डॉट डॉट, बी बराबर एक दो तीन चार पांच छह डॉट डॉट डॉट, आप देखिए इसमें तीन एलिमेंट कहोगे नहीं सर इसमें अनंत एलिमेंट, समप्राकृत संख्या, यह क्या है प्राकृत संख्या, इसका सब एलिमेंट इसमें होगा तो ए सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो गया बी, ठीक है
बराबर दोनों नहीं है। और बताइए समझ लो कि एक ज्यादा है, तीन ज्यादा है, जितनी इवेन नंबर ऑड नंबर सबका सब क्या अधिक है, समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? तो अब आपको यह आज का जो वीडियो है बेटा, यदि अच्छा लगता है, हम बार बार कहते हैं, मेरा उद्देश्य आरएमएस मैथ क्लासेस का इस कोरोना जैसी समस्याओं में कि मैक्सिमम बच्चे लाभ ले सके। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई से पीछे हैं, नहीं जुड़ सके हैं, आशा करते हैं अति शीघ्र आज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी कंटेंट डाल रहे हैं उसको बारीकी से ध्यान देंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे हम ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तो सिर्फ कहने का होगा। इसलिए निश्चित रूप से जो कुछ लड़का मेरे यूट्यूब में नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, जो अभी तक छोटा है, जो कमज़ोर तबका लड़का है, उसको कहें कि सर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखो, निश्चित रूप से पढ़ जाएगा। नहीं कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद।